సృష్టికర్తా లోకకర్తా సర్వకారణకర్త విశ్వామిత్రో బ్రహ్మవేత్త సృష్టి సృష్టి ప్రతిఖ్యాత మహావీరో మహాతేజో విశ్వామిత్రో మహాముని. महाराज की सेना आश्रम पर आक्रमण करने आ रही है. ब्रह्म ऋषि पुत्र को ऐसे घबराना नहीं चाहिए. पुत्र, महाराज उस नदी समान है जो अपने तटों की मर्यादा का उल्लंघन कर रही है. ये न भूलो पुत्र कि महाराज निधिपति नहीं, केवल प्रतिनिधि हैं. निधिपति तो भगवान है और ये आश्रम परमपिता ब्रह्मा का मंदिर है. यदि सेना यहाँ आ रही है तो उसकी चढ़ाई आश्रम पर नहीं, परमपिता ब्रह्मा पर है. क्या तुम ये समझते हो कि भगवान स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते? माताश्री, प्रणाम माताश्री. सेना लेकर आने का कष्ट क्यों किया सेनापति? मैं क्षमा चाहता हूँ माताश्री, किंतु महाराज के आदेश के आगे विवश हूँ. उस नंदनी को ले जाने के लिए आया हूँ. परंतु ब्रह्म ऋषि इस समय आश्रम में नहीं है और इस आश्रम में उन्हीं का आदेश चलता है. क्षमा माताश्री, परंतु मैं ऋषिवर की प्रतीक्षा नहीं कर सकता. तो क्या तुम मेरी नंदिनी को बलपूर्वक ले जाओगे? यदि बल का प्रयोग करना पड़ा तो बल का प्रयोग करना ही पड़ेगा ना माता. जाओ नंदिनी को पकड़ ले आओ. नंदिनी, मैं एक दुर्बल नारी तेरी रक्षा नहीं कर सकती. हे माता, अब स्वयं तुम ही इस आश्रम की मर्यादा की रक्षा करो. हे मां, Bye.
क्या तुम ये कह रहे हो सेनापति कि हमारी जिस सेना ने चारों दिशाओं में हमारा ध्वज फहराया है वही सेना एक आश्रम के सन्यासियों और विद्यार्थियों के हाथों हार कर भाग आई? तुमने हमारी सेना को दिग्विजयी महोदया नरेश गांधी पुत्र विश्वनाथ की सेना को पराजय से अपमानित किया? अब स्वयं हम उस बूढ़े ऋषि को विद्या दान देने जाएंगे। उसे यह बतलाना आवश्यक हो गया है कि वो हमारी प्रजा में से है और उसे हमारी आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा। क्या ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पर चढ़ाई करना उचित है आर्यपुत्र, और वो भी एक गाय के लिए? वो केवल एक गाय नहीं है महारानी, वो अब हमारे मान का प्रतिबिंब है, वो ऋषि वशिष्ठ के राजद्रोह का ध्वज है। ऋषि को यह समझाना आवश्यक है कि इस राज्य की सीमा के भीतर हर सर का यह परम कर्तव्य है कि वो महाराज के आदेश के आगे झुक जाए। उस ऋषि ने हमारा अपमान किया है महारानी। आपके अभिमान का आकार आपके अपने आकार से भी लंबा हो गया है आर्यपुत्र। इसे अभिमान नहीं कहते महारानी, इसे आत्मविश्वास कहते हैं, और यही तो हमारे राज मुकुट का सबसे बहुमूल्य रत्न है। उसने यदि हमसे प्रार्थना की होती कि हम उसकी गाय न लें तो कदाचित हम मान भी जाते, परंतु उसने इनकार किया है और यह राजद्रोह है और इसका दंड तो उसे मिलना ही चाहिए, अवश्य मिलना चाहिए उसे इसका दंड, अवश्य मिलना चाहिए। सेनापति जाओ उस नंदिनी को पकड़ कर ले आओ, हम भी तो देखेंगे उसमें क्या महिमा है। रुक जाओ, आपका यह आग्रह उचित नहीं है राजन, और आपका यह हस्तक्षेप भी उचित नहीं है ऋषि, क्योंकि यह हमारा अधिकार क्षेत्र है। आप भगवान के प्रतिनिधि हैं राजन, और भगवान के प्रतिनिधि को अहंकार शोभा नहीं देता। अहंकार तो राज्य का अलंकरण है ऋषि, तुम महोदया के नागरिक हो और इस नाते हम तुम्हें आदेश देते हैं कि नंदिनी गाय हमारी भेंट करो, क्योंकि महोदया में भयानक अकाल पड़ा हुआ है और जन समुदाय को भूखमरी से बचाने का और कोई उपाय नहीं है। अकाल डालने वाले आप ही तो हैं राजन, जिस सेना पर आपको इतना घमंड है उसी सेना को लेकर आप अकाल पर आक्रमण क्यों नहीं कर देते? ऋषि पत्नी, हमारी सहन शक्ति की परीक्षा न लो। मैं जानता हूँ राजन कि आप में सहन शक्ति है ही नहीं, तो फिर कोई उसकी परीक्षा क्या लेगा? यदि आप में सहन शक्ति होती तो आप ये अवश्य देख लेते कि अपने राज्य की सीमाएं बढ़ाने की लालसा के कारण आपकी प्रजा पर क्या बीत रही है। यदि आपके पास सुनने वाले कान होते तो आप भूमि का यह कहना अवश्य सुन लेते कि उसने आपकी सीमाओं के भीतर अपनी उपज में गांठ डाल दी है। ये जो अकाल है राजन, वो आप ही का एक स्वरूप है। नंदिनी देते हो कि नहीं? यदि नंदिनी नहीं मिली तो हम इस आश्रम को जलाकर भस्म काटेंगे। और यदि इस आश्रम को जलाकर भस्म कर देने के पश्चात भी नंदिनी आपको न मिली तब क्या करेंगे राजन? नंदिनी मिलेगी कैसे नहीं, वो तुम्हारी संपत्ति नहीं राष्ट्र की संपत्ति है, और तुम उसके स्वामी नहीं हो, सेवक हो, केवल सेवक। अवश्य मैं उसका स्वामी नहीं सेवक हूं, अवश्य ये मेरी नहीं सारे राष्ट्र की,
यही तो कारण है मैं नंदिनी आपको सौंप नहीं सकता। आप राष्ट्र नहीं हैं, आप तो केवल एक लोभी और स्वकेंद्रित व्यक्ति हैं। आप राष्ट्र सेवी नहीं, स्वार्थ सेवी हैं। हम तुमसे अपने चरित्र पर भाषण सुनने नहीं आए हैं ब्रह्म ऋषि। मैं भाषण नहीं दे रहा हूं राजन, मैं तो एक नागरिक होने के नाते केवल आपको राजा के कर्तव्य याद दिला रहा हूं। ये इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि इसे एक ऐसा राजा मिला जो स्वयं अपने अहंकार को ये आदेश नहीं दे सकता कि वह हृदय सीमा से बाहर निकल जाए। ब्रह्म ऋषि! राजन, राजा बनकर न मांगिए, नागरिक बनकर मांगिए और ले जाइए नंदिनी को। हम वाद विवाद करने नहीं आए हैं, सीधे प्रश्न का सीधा उत्तर दो। तुम नंदिनी देते हो कि हम स्वयं उसे ले जाएं? आपके लिए संभव हो तो ले जाइए। हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है ऋषि, तुम्हारी आंखों के सामने हम इस नंदिनी को लेकर जाएंगे। राजन, व्यर्थ प्रयत्न न कीजिए राजन, नंदिनी आपको नहीं मिल सकती। कारण ये, यदि नंदिनी जैसी गाय आप जैसे अभिमानी स्वार्थी आत्मकेंद्रित राजा को मिल जाएगी तो वह उसे लोक सेवा का साधन नहीं बनाएगा। ऐसी शक्तियां आप जैसों के लिए नहीं हैं। पहले अपने अहम को हटाइए, उसे सभ्य बनाइए और तब आइए। ऐसी गाय बाहुबल से नहीं मिल सकती, केवल तपस्या से मिल सकती है, और वो भी उस तपस्या से जो फल की आशा में न की जाए। ये मेरी तपस्या का फल नहीं, परमपिता ब्रह्मा का वरदान है। ठीक है, तो फिर हम भी तपस्या करेंगे। राजन, यही हम तो आपका रोग है, यही हम तो आपका अहम है। तपोवन जाना हो तो अहंकार को छोड़ जाइए। अहंकार की पथरीली भूमि से तपस्या का अंकुर नहीं फूट सकता। ऋषि, हम तुम्हें तपस्या करके दिखलाएंगे, उसका फल भी लेकर दिखलाएंगे और नंदिनी को लेकर जाएंगे। ओम राजाधिराजाय प्रदक्ष्य साहिने नमो भजं वये श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वर वैश्रवणा ददातु कुबेराज वैश्रवणाय महाराजाय नमः। साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं वानेष्ठिकं राज्यं महाराजाय नमः। हमने अपने पुत्र के राज्याभिषेक का जो ये निर्णय लिया है उससे आप सभी को आश्चर्य होता होगा, क्योंकि ये निर्णय आकस्मिक है। अब आप सभी
हमारा यह निर्णय भी ध्यान से सुने कि हम ये राज्य त्याग कर तपोवन की ओर जा रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं राजन? क्या आप ये नहीं जानते कि ऋषि वशिष्ठ ने हमारा अपमान किया है? वो ये कठोर सत्य भूल गए हैं कि हम राजा हैं और जीवन दान से लेकर मृत्यु दंड तक हम सब कुछ दे सकते हैं। ना किसी से कुछ मांग कर क्षत्रिय धर्म का अपमान नहीं कर सकते। हम राजा हैं, हमारे पास बाहुबल है, किंतु ऋषि के पास केवल आशीर्वाद होता है और आशीर्वाद के अतिरिक्त कुछ नहीं होता। भूमि के जिस टुकड़े पर उसका आश्रम है वो हमारा है, वो नदी जो उन्हें पानी देती है वो हमारी है, और जो वृक्ष उनको छाया देते हैं वो भी हमारे हैं, हमारे, और वो स्वयं भी हमारी प्रजा में से एक है। और उसका ये साहस कि हम कुछ मांगे और वो इनकार कर दे, उसे अपने तपोबल पर घमंड है, उसे अपने ऋषि होने पर घमंड है। तो हम ये सिद्ध कर देंगे कि हम भी ऋषि बन सकते हैं, हम भी तपोबल प्राप्त कर सकते हैं। हे इंद्र, विश्वरथ की तपस्या से सभी लोग भयकंपित हो रहे हैं। मुझे शीघ्र ही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पास जाना है। नारायण नारायण नारायण। हे पिताश्री, हे परमपिता, हे सृष्टिकर्ता, विश्वरथ केवल आप ही का नाम जप रहा है। नहीं पुत्र, विश्वरथ मेरा नाम नहीं जप रहा है, उसका अहंकार अवश्य मेरा नाम जप रहा है। किंतु भगवान, यदि आपने उसकी पुकार ना सुनी और उसकी पुकार सुनकर महादेव वहां पहुंच गए तो भोले शंकर को वरदान देने से भला कौन रोक सकता है? उन्हें तो नहीं कहना आता ही नहीं, विश्वरथ मांगता जाएगा और भोले शंकर देते जाएंगे। हे सृष्टिकर्ता, भोलेनाथ से वरदान पा लेने के उपरांत विश्वरथ के अहंकार में भला कौन गांठ लगा पाएगा? फिर तो विश्वरथ अपने अहंकार का पत्थर मार मार के आपकी रची हुई सृष्टि को तोड़ डालेगा। हे परमपिता, मैं तो आपसे हाथ जोड़कर यही निवेदन करने आया हूं कि उसके पास जाने में विलंब ना कीजिए। नारायण नारायण। पुत्र विश्वरथ, नमो पितामह ब्रह्माय नमः। तुम्हें क्या चाहिए पुत्र, मांगो। हे सृष्टि के रचयिता, हे पूज्यवर, मैं आपसे शक्ति मांगता हूं। किंतु तुम्हारे लिए शक्ति की परिभाषा क्या है पुत्र? हे पूज्यवर, शस्त्रों से अधिक शक्ति और कहां? मुझे वो सारे अस्त्र और शस्त्र प्रदान कीजिए जो देवताओं, गंधर्वों, यक्षों, सिद्ध प्राणियों आदि के पास है। हे पूज्यवर,
मुझे नारायणास्त्र, पाशुपतास्त्र और ब्रह्मास्त्र भी चाहिए। मैं तो ये सोच रहा था कि तुम अपने अहंकार और क्रोध पर विजय का वरदान मांगोगे पुत्र। अहंकार तो क्षत्रिय की पहचान है और क्रोध उस पहचान का ध्वज। तो हे पूज्यवर, मैं कैसे अपनी पहचान और उस पहचान का ध्वज त्याग सकता हूं? यदि आप मेरी तपस्या से मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे वो सब दें जो मैं आपसे मांग रहा हूं। यदि आप प्रसन्न नहीं हैं, तो मैं फिर आपकी तपस्या करूंगा और आपको विवश कर दूंगा अपनी तपस्या से कि आप मुझे वो सब दें जो मैं आपसे मांग रहा हूं। तुम्हें ज्ञान चाहिए या सफलता? हे पूज्यवर, सफलता ही तो ज्ञान का परिणाम है। तो मांगो। सारे दिव्य अस्त्र और शस्त्र और उनके प्रयोग का ज्ञान। What's up?